प्यारे बच्चों, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुपद जो मैथ का क्लास नाइन्थ का बहुपद चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसका प्रश्नावली नंबर 2.1 को मैं बता दिया हूँ। और दूसरा जो प्रश्नावली है 2.2 का आज बनाया जाएगा वीडियो। देखिए वह प्रश्नावली क्या है, बहुपद के बारे में, बहुपद की परिभाषा, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, सभी को बता दिया गया है। अब जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन आज बताया जाएगा। तो देखिए 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए पहले जो बताए थे, इसके पहले देखिए यहाँ पर बहुपद के शून्यक, इसके बारे में चर्चा किया गया था कि बहुपद के शून्यक का अर्थ था कि जैसा बहुपद होगा, यदि रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद के बारे में बताया गया था, ऐसा बहुपद जिसके चर का उच्चतम घात क्या होना चाहिए, एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चर का उच्चतम घात कितना, एक है। यदि इसका मान निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो -1, इसका अर्थ है कि जितना उच्चतम घात होगा उतना ही चर का वैल्यू भी प्राप्त होगा। यदि एक घात है तो एक वैल्यू प्राप्त होगा, दो घात है तो दो वैल्यू प्राप्त होगा, और यदि त्रिघात है तो त्रिवैल्यू प्राप्त होगा। जैसे और एग्जांपल लिया जाए रैखिक बहुपद के, जैसे x² यदि यहाँ से x-2=0, तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए पहले बहुपद का भी जो बहुपद था वो रैखिक बहुपद है, दूसरा भी बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद है। तो इसका यहाँ पक्षांतर किया गया तो x = 2 और यहाँ x = -1, दोनों में x के जो वैल्यू प्राप्त हुए एक घात है, इसलिए एक एक ही वैल्यू प्राप्त हुए। और जैसे यदि द्विघात लिया जाए तो x² - यदि 16 कर दिया जाए = 0 करेंगे तो x, क्योंकि बहुपद तो यह होता है जब इसमें शून्य की बात आएगा तो क्या करेंगे, 0। तो x² = 16 हो जाएगा, x = निकालेंगे तो +-4। इसका अर्थ है कि देखिए x का वैल्यू 1, -4 आया और 1 क्या हो गया, +4। तो घात 2 है इसलिए इसके बहुपद भी कितने हो गए, 2 बहुपद हुए। इसी प्रकार त्रिघात लेंगे तो तीन बहुपद, मतलब उस बहुपद के जो मान आएंगे x के, वो मतलब चर के तीन मान आएंगे। यदि 4 घात रहेगा तो 4 मान आएगा और 5 घात रहेगा तो 5 मान आएगा। इस ये बहुपद के शून्यक होगा और इसी पर यह प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। जो हमारा बहुपद है 5x-4x² + 3 पर जो क्वेश्चन दिया गया है, x = 0 पर नंबर 2, x = -1 नंबर 3 दिया गया है, x = 2। इन्हीं तीनों पर इस बहुपद का क्या करना है, मान निकालना है। तो इसका अर्थ यह दिया गया है, जैसे इसमें हम निकालें, यहाँ पर ये बहुपद है, यदि 0 लगा दिए तब तो समीकरण हो जाएगा। तो बहुपद से हम क्या निकाले, उस चर का मान निकालिए, इसमें भी चर का मान निकाला गया, इसमें भी चर का मान। तो यहाँ पर जो ये बहुपद है इसमें अलग अलग करके, मान लीजिए कि यदि इसमें x = 0 यदि इसके बहुपद का मान है तब इस पूरे बहुपद का मान क्या आएगा, x - 1 है तब कितना मान आएगा, और x = 2 है तब कितना मान आएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x = 0 यदि हम इसको मान लें 1, तो समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो 5 × 0, x के स्थान पे 0 रखिए, फिर 0 का वर्ग + 3, 0 का गुणा करेंगे तो हम 0,
जीरो का वर्ग जीरो ही होगा, फिर गुणा करेंगे तो जीरो प्लस थ्री कितना आ गया, थ्री माने इस पहले का आया बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान कितना आया 3। इसी प्रकार x इज इक्वल टू जब नंबर दो लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना रखेंगे माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 समीकरण नंबर एक में रखने पर तो इसका हल निकल सकता है 5 x के स्थान पर रखेंगे माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 1 का वर्ग प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5, माइनस का वर्ग करते हैं तो क्या होगा प्लस, तो एक आएगा एक का गुणा चार में करेंगे तो 4 और प्लस माइनस से माइनस प्लस 3 समान चिन्ह जुटेगा माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, इसका माइनस 6 माइनस 6 इसका क्या हो गया बहुपद का, इस बहुपद का मान कितने पर x बराबर माइनस 1 पर। इसी प्रकार x बराबर 2 पर तीसरा क्वेश्चन आप अपने से इसको सरल करिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वह देखिए क्या है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था उसी टाइप से यह भी है, सिर्फ इसमें क्या किया गया है कि क्वेश्चन को ले लिया गया है कि हमको जो निकालना है P0, P1 और P2 का मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका PY = y² - y + 1 में, अब हम ध्यान दीजिए कि सभी मान इसमें PY में जो हमारा बहुपद है, देखिए बताया गया था कि जैसे यदि आपका P मतलब पाइनामियल, बहुपद की अंग्रेजी होती है पाइनामियल, ये पहले वीडियो में बताया गया था कि PY यदि इसमें x रहेगा तो हमारा बहुपद x के पदों में आता है, कुछ भी बहुपद हो सकता है। y रहेगा तो जैसे y के पदों में आया है, z यदि यहाँ पर रहेगा तो z के पदों में बहुपद रहेगा। तो यह क्या बताता है कि किसके पदों में मतलब बहुपद है। तो यहाँ पर अब हमको जो निकालना है इस बहुपद का मान निकालना है, तो पहला लेंगे P0, तो P0 पर ध्यान दीजिए, समझिएगा कि PY यहाँ है तो Y के पदों में हमारा बहुपद आया। अब PY के स्थान पे क्या हो गया यहाँ पर 0, तो 0 जहाँ जहाँ Y है वहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1 ये तो हल करके कितना आ जाएगा 1 आ गया। फिर अब निकालेंगे P1 तो अब Y के स्थान कितना हो गया 1, यहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इससे दोनों कैंसिल, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आया। P2 अब Y के स्थान पे कितना हो गया 2, तो जहां पर बहुपद में Y आएगा वहां पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 2 प्लस 1, तो यहां 4 में से 2 को घटा देंगे कितना आएगा 2 और प्लस 1 बराबर ये कितना आ गया 3। इसका अर्थ है कि हमारा पहले बहुपद में जो पहला सवाल है उसमें P0 निकाल दिए, P0 का मान 1, P1 का मान 1 और P2 का मान भी आ गया। इसी प्रकार से इसमें देखिए 3 शेष और क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं और सब में वही लिखना PT = 2 + T 2T² - TQ। तीसरा PX = X³ और चौथा दिया है PX = X - 1 और X + 1। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में हल किए उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में PT है, तो देखिए अभी मैं बताया कि जब x रहेगा तो x के पदों में बहुपद रहेगा, y किया गया तो y के पदों में बहुपद क्वेश्चन नंबर 1 में,
देखिए टी हो गया तो टी के पदों में हमारा बहुपद है, एक्स है तो एक्स के पदों में बहुपद है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दो में भी एक बार पी जीरो निकालेंगे, तब पी जीरो तो टी के स्थान पे जहाँ जा रहेगा सबको स्थान पे जीरो रखेंगे, फिर पी वन निकालेंगे, पी टू निकालेंगे, फिर तीसरे क्वेश्चन में पी जीरो और पी वन पी टू, चौथे क्वेश्चन में भी पी जीरो पी वन और पी टू। तो यह दूसरे क्वेश्चन का मेथड हुआ कि कैसे सरल किया जाएगा क्वेश्चन नंबर दो। तो अब आइए तीसरा क्वेश्चन जो है वह देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सत्यापित कीजिए, मतलब इसको दिखाना है कि दिखाइए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। जो हमारा बहुपद है उसी के सामने उसमें एक्स का या वाई का, मतलब जिसमें बहुपद है उसका शून्यक दिया है और यह कह रहा है कि ये दिखाइए कि इसके शून्यक है कि नहीं। तो जैसे देखिए, यदि हम यहाँ पे कहें, ये भी जो एग्जाम्पल एक लिए थे कि एक्स स्क्वायर मान लीजिए, यदि हम यहाँ पे 36 ही ले रहे हैं और इसको यदि शून्य करना है तो जीरो कर दें तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा, इसका अर्थ है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 और प्लस 6 हुआ। यदि इसी के आगे मैं कह दूँ कि हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, यहाँ कामा लगा के कर दे x इज इक्वल टू माइनस 6 और यहाँ पे 5 कर दे और कह दे कि इसके दिखाइए कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 का जो x का वैल्यू है, मतलब x के शून्यक है, वह माइनस 6 और 5 है। तो यह दिखाना है और देखिए सवाल को यदि हल करेंगे तो माइनस 6 और प्लस 6 आ रहा है और शून्य के कह रहा है कि दिखाना है। तो कैसे, या तो सरल करके हल करिए और यहाँ पे सरल नहीं करना है तो क्या करेंगे, एक बार x बराबर जैसे क्वेश्चन नंबर टू लगाए हैं कि मान रखते जाइए, तो यहाँ पे x बराबर एक माइनस 6 रखिए, यदि इसमें मान रखने पर ये शून्य के बराबर आ जा रहा है तो शून्यक है, फिर 5 रखेंगे शून्य के बराबर आएगा तो शून्यक है अथवा शून्यक नहीं है। तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है उसका अर्थ समझ में आया कि क्या कह रहा है, देखिए अब तीसरे का पहला नंबर पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कामा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/3, यहाँ पे लिया गया है कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3, दिखाना है कि इसके शून्यक है कि नहीं। तो यहाँ पे x के स्थान पर माइनस 1/3 रख दीजिए तो 3 x के स्थान पर कितना आ गया माइनस 1/3, तो फिर यहाँ पर रखेंगे माइनस 1/3 प्लस 1। ये देखिए इसको सरल करें, कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, इसको घटाएंगे क्या आ गया 0। अभी मैं देखिए बताया था कि यदि मान रखने पर जैसे यह दिया रहेगा कि x का वैल्यू दिया है, 2 में देखिए वैल्यू नहीं दिया था, सिर्फ पूछ रहा था कि पी जीरो पी वन और पी टू का मान पूछ रहा था, मान रख के जितना आता था वो हम बता दें। इसमें एक्स इज इक्वल टू दे दिया है कि एक्स का मान, इस बहुपद का मान जो हल करने पर एक्स का मान कह रहा है माइनस 1/3 है कि नहीं। तो अभी मैं बताया कि देखिए जो बहुपद होता है उसको कुछ भी लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका बहुपद है, जब शून्यक निकालने लगेंगे तो यहाँ पे क्या कर देते हैं जीरो कर देते हैं, इसलिए मतलब इसका वैल्यू मतलब इसके क्या कर दिया गया है जीरो के बराबर किया गया। तो इसीलिए जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे, जैसे इसमें जो भी वैल्यू है उसको रखेंगे तो क्योंकि ये बराबर जीरो है तो इधर भी बराबर जीरो आना चाहिए। इसी प्रकार जब हम एक्स बराबर माइनस 3 इसमें रखें तो देखिए हमारा ये क्या आ गया, शून्य के बराबर आ गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/3 पी एक्स बराबर इतना लिखिए, पी एक्स का शून्यक है ठीक। और यदि जीरो के बराबर नहीं आता तो इसमें क्या कर देते, लिखते शून्यक नहीं है। तो इसका एक आग देखिए एक आग दो क्वेश्चन और बता रहे हैं, नंबर टू क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5,
और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या दिया है, 4/5। अब इसको कह रहा है कि दिखाना है किसके शून्य है कि नहीं, फिर वही p x के स्थान पे 4/5 रखेंगे। देखिए सवाल कितना है, 4/5, तो रखिए 5 इंटू एक्स के स्थान पर 4/5 हो जाएगा माइनस पाई, इससे कैंसिल आया 4 - π, यह शून्य के बराबर आया नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे अतः पी एक्स इज इक्वल टू 4/5 पी एक्स का शून्य नहीं है। ठीक, यह क्या हो गया, शून्य का इसका नहीं, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं आया। देखिए अब इसमें तीसरे का जो सातवां क्वेश्चन है वो दिया है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, और इसमें एक्स के जो इस बहुपद का एक्स का जो वैल्यू प्राप्त किया गया है x = -1/√3 और √2/√3। इसमें कह रहा है कि यह दोनों जो मान है क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब इसके शून्य हैं कि नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे, पहला मान रखेंगे -1/√3, तो 3 एक्स के स्थान पर रखेंगे -1/√3 का वर्ग -1 बताया गया 3। अब इसको सरल करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 1 का वर्ग 1 होगा, रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा -1, इससे कैंसिल 1 - 1 आ गया कितना 0। अब बताए थे कि जब शून्य आ जाएगा तो शून्य है, क्या लिखेंगे, अतः पी एक्स इज इक्वल टू -1/√3 पी एक्स का शून्य है। ठीक, अब अगला जो स्टेप है, एक्स का मान कितना है 2/3, तो 2/3 रखेंगे तो हो जाएगा 3, और इस एक्स के स्थान पर 2/√3 का वर्ग -1, यहाँ पे 3 वर्ग करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा 3 - 1, इससे कैंसिल 4 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। देखिए जीरो के बराबर नहीं आया, यहाँ लिखेंगे अतः एक्स इज इक्वल टू 2/√3 पी एक्स का शून्य नहीं है। तो यह क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका जो नियम है यही नियम है कि जो हमारे एक्स के शून्य दिए रहेंगे क्वेश्चन में उसी को हम बहुपद में रखेंगे, यदि शून्य आया तो वह बहुपद का शून्यक होगा, यदि शून्य नहीं आया तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो यह जो वीडियो है, देखिए अभी इसमें जो क्वेश्चन एक और है, चौथा क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए, तो यह प्रश्नावली आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चौथा जो दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसमें शून्य दिया था, तब आपको क्या निकालना था, चेक करना था कि शून्य है कि नहीं। अब इसमें शून्य दिया नहीं है, इसका शून्य निकालना है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हम एक दो यहाँ बता रहे हैं, अपने आप आसानी से आप सरल कर लेंगे। तो जो दिया गया पहला हमारा क्वेश्चन है चौथे का, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये बहुपद हुआ, पी एक्स माने पॉलीनोमियल है, बहुपद एक्स प्लस 5 है। अब जब शून्य निकालने के लिए कहेंगे तो अभी मैं एग्जांपल लिया था, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, मतलब जीरो के बराबर कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस उधर बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस पी एक्स माने एक्स, पी एक्स का जो शून्य हुआ वो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू -5, ये हो गया शून्य निकालने का नियम। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, जैसे इसका छठवा क्वेश्चन दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स,
और यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो कह रहा है कि ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और ये जीरो हो यदि ए हो जाएगा तो जीरो का ए का गुणा ए के स्थान पे जीरो रखेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा, इसीलिए वो पहले ही दे दिया कि ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो फिर शून्य निकालने के लिए ए एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए का गुणा है, गुणा बराबर किस तरफ जाता है भाग हो जाता है, तो जीरो में यदि ए का भाग करेंगे तो क्या होगा जीरो ही आएगा। तो इसका जो शून्य क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो, पहले का एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, सातवां क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और इसमें दिया गया है कि सी नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें सी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और जो सी और डी दिया गया है वो वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। तो फिर वही करेंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ से सी एक्स बराबर डी को पक्षांतर करेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपान सी, यह इसके क्या हो गया शून्य हुआ। तो इसमें जो शेष क्वेश्चन नहीं बताया गया इसको आप अपने से सरल करिए, जो भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे तो उसके सलूशन दिया जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा आप उसको कमेंट बॉक्स में या भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो भी समस्या हो आप अपना समस्या कमेंट बॉक्स में भेजेंगे तो उसका सलूशन दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।